हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक हैं, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। मैं हूँ प्रतीक्षा, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, सुबह उठकर मैं एक डिटॉक्स ड्रिंक बना रही इसके हूँ। लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक मिक्सर ब्लेंडर में करी लीव्स लिया हुआ है, यानी कि कड़ी पत्ता। एक्चुअली गाइस, कड़ी पत्ता का है ना बहुत सारे यूजेस है, इसकी काफ़ी सारी हेल्थ बेनिफिट्स भी ये है। बॉडी को अंदर से क्लेंस करने का काम करता है, फैट को बर्न करता है, बॉडी में से बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता एंड है, समय से पहले जो बाल ग्रे होते हैं ये उसे भी रोकता फिर है। नेक्स्ट मैंने आंवला ऐड किया, फिर 3 से 4 काली मिर्च यानी पेपर भी ऐड किया, फिर पानी मिला के मैंने इसे मिक्सर ब्लेंडर में ग्राइंड कर दिया। सो यहाँ पर मेरा डिटॉक्स ड्रिंक बिल्कुल रेडी है गाइस। गाइस, ये डिटॉक्स ड्रिंक बनाते टाइम हमने आंवला का यूज किया हुआ है। आंवला में भी बहुत सारे विटामिन सी है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बना देता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, आई साइट के प्रॉब्लम्स को भी इम्प्रूव करता है, स्किन को भी ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाता है। डिटॉक्स ड्रिंक पीने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी की, तो आज मैंने ब्रेकफास्ट के लिए वेज पराठा बनाया है। कुछ बेसिक वेजीज यूज करके मैंने वेज पराठा बनाया है, जैसे कि कैरेट्स, फिर कैप्सिकम, इन्हें मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है, फिर मैश पोटैटोस, पीस, ग्रीन पीस यानी कि मटर, तो जितने भी वेजीज मेरे पास फिलहाल थे तो मैंने वो यूज करके बना दिया। मैं आज लंच के लिए एक बहुत ही क्विक वाला रेसिपी बना रही हूँ एंड आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये सच में बहुत जल्दी बन जाता है एंड सच में टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नॉनवेज का नॉनवेज भी हो गया एंड टेस्टी का टेस्टी भी, जल्दी का जल्दी भी। सो जिसके सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ बॉइल्ड एग्स लिया हुआ है, जिन्हें मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ एंड उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट इस तरीके से स्प्रिंकल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है एंड उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। इसके बाद मैंने इस पैन में एग्स को डाल दिया एंड इसे अब हम शैलो फ्राई करेंगे। सो मैं यहाँ पर दोनों साइड भी फ्राई कर रही हूँ पलटते हुए। ये फ्राई होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा। तो देखिए यहाँ पर एग्स फ्राई हो चुके हैं। सो दोनों साइड से मैंने टर्न करते हुए इसे फ्राई किया हुआ है।
सो गाइस हम बना रहे एग चिली, तो चलिए अब हम एग चिली का प्रिपरेशन देखते हैं। जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल लिया है एंड उसमें मैंने ऐड किया है फाइनली चॉप ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक, यानी कि अदरक लहसुन और हरी मिर्च। इसको हम 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें अनियंस एंड कैप्सिकम को ऐड करेंगे। मैंने अनियंस एंड कैप्सिकम को क्यूब्स में कट किया हुआ है। इसे पूरा पकाना नहीं है, जस्ट आपको 4 to 5 seconds के लिए इसे फ्राई करना है। मैं इसे टॉस करते हुए फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर ऐड किया है। अब हम इसमें सारे सॉसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली सॉस, फिर यहाँ पर मैंने ऐड किया है विनेगर, फिर डार्क सोया सॉस भी ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है सेजवान चटनी। अब हम सबको मिक्स करेंगे। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टोमेटो केचप भी ऐड किया है। फिर यहाँ पर मैं 1 स्पून कॉर्नफ्लोर में पानी मिलाकर इसका जो पेस्ट है उसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा और पानी मैंने ऐड किया और फिर अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दी हूँ। जैसे ये बॉईल होने लगे उसके बाद मैंने इसमें स्लिट किया हुआ ग्रीन चिली ऐड किया, यानी कि हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च ऐड किया है। उसके बाद सारे फ्राई किया हुआ एग्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अभी हल्के स्पून से मैं यहाँ पर मसालों को एग्स के ऊपर कोट कर रही हूँ। ज़ोर ज़ोर से करेंगे तो जो इसका जो योक है ये बाहर आ जाएगा। सो आप हल्के से इसे ऐसे मिक्स कीजिएगा। सो यस, यहाँ पर हमारा डिलीशियस यम्मी एग चिली बिल्कुल रेडी है गाइस। बहुत ही झटपट वाला रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। सो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, तो फटाफट मैं इसे टेस्ट करती हूँ एंड आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। वाओ गाइस, सच में बहुत ही अमेजिंग बना है। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना अमेजिंग बना है, मेरे पास शब्द नहीं है। तो प्लीज आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आने पर प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।